बाराड़ी ग्राम सभा में किसान मोर्चा द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठी, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को दी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आदर्श विकास खंड शिवापुरी न्याय पंचायत बाराड़ी में शुक्रवार को गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों के साथ एक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश सह प्रभारी ने सुनील ओझा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्राम प्रधान सुरेंद्र मिश्रा समेत ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि सुनील ओझा को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। वही क्षेत्र से आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अपनी जमीन को बंजर भूमि होने से बचाने के लिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपनाए और रासायनिक खादों का उपयोग न करे। आगे कहा कि पशुपालन देसी गाय का पालन करे और उनके दूध का उपयोग करे। गाय का दूध अमृत के समान होता है। गाय के दूध का सेवन करने से विभिन्न रोगों से बचाव होगा। वही किसान संगोष्ठी के दौरान पवन कुमार चौबे, महामंत्री किसान मोर्चा जितेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा रमेश सिंह, विनोद कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष शिवापुरी समेत क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम था सर? ये आंदोलन है हर घर गाय का, ये आंदोलन है गौ आधारित कृषि का, प्राकृतिक कृषि का। देशी गाय को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक कृषि के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको आह्वान किया है। वो हम गांव-गांव समझाने के लिए निकले। आज बाराडी के प्रधान का आग्रह था, यहाँ आए हैं बहुत अच्छी संख्या में माताएं बहनें और ये सब यहाँ के लोग एकत्रित हुए हैं। उन्होंने प्रॉमिस दिया है कि देशी गाय रखेंगे। देशी गाय और उसका दूध ही अमृत है। उनका गोबर गौमूत्र के आधार से कृषि और कृषि का उत्पन्न धरती माता बढ़िया देगी, आसमान तक जाएगी उसकी कृषि। यहाँ का पूर्वांचल के रोजगार की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ गौ माता को रखना, वही समाधान है। और वो समाधान के लिए सब आए थे। हमको लगा है कि सब गाय रखें, ज्यादा से ज्यादा देशी गाय रखने के लिए प्रेरित होंगे। हर घर गाय आंदोलन की ये एक सफलता। सर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तरफ सर लगभग कई सालों से सर इस पर तमाम योजनाएं चल रही है सर, इस पर धरातल पर सर देख लो कितना मिला है सर। ये टेक्नोलॉजी जो गाय के बाद ब्रीडिंग नस्ल, उसका फीडिंग ब्रीडिंग और मार्केटिंग, इसके लिए सबसे ज्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करती है। उसमें उसकी टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग है। और इसके लिए शहशाहपुर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर ये कार्यक्रम किया है।